हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज वीट फ्लोर का हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में आटे का हलवा बोलते हैं। तो आइए मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। पानी, आटा, वीट फ्लोर, चीनी, घी, और इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ। ये एक कप पानी है, ये एक कप आटा है, और मैं चीनी कम ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम मीठा पसंद है। तो मैं ये हाफ कप चीनी है, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है, और ये एक कटोरी से थोड़ा कम घी है। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने, हलवे में कढ़ाई का गर्म होना ज़रूरी है, वो भी अगर गरम हो और उसमें घी भी गरम होना चाहिए। तो मैं पहले कढ़ाई को गरम कर लेती हूँ, फिर उसमें मैं घी डालती हूँ। ये मैं घी थोड़ा सा रखती हूँ लास्ट में डालने के लिए, थोड़ा घी गरम हो जाए फिर मैं उसमें आटा डालूंगी। ये ऐसा लगा बनाकर, मतलब मैंने जब से बनाना स्टार्ट किया है, तो बनाते बनाते एक मैं जहाँ पहुँची हूँ, तो मैंने यही जाना है कि घी गरम हो तभी वो, और आटा अच्छे से भुना हो तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, दो ही प्रोसेस हैं। और तीसरा, मात्रा ठीक हो, हलवा बनाने का एक ही तरीका है, मात्रा बराबर हो घी का, पानी का, आटे का और चीनी का। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो वो पूरा फुल कप डाल सकता है, जिसको कम पसंद हो वो आधा कप, और जिसको मतलब बहुत मीठा नहीं खाना ना कम मीठा खाना है, मैंने आधे कप से थोड़ा ऊपर लिया है। और मैं आज को मैंने यहाँ थोड़ा तेज कर दिया है, मैं अभी आटा डालने जा रही हूँ। देखिए थोड़ा भूरा होने तक भूनना है, जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, ऐसे हल्के कलर से थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें भूनना है इसको। इसलिए आज अभी थोड़ा धीरे किया है मैंने। आटे का रंग देखिए बदल गया है, ऐसा ब्राउनिश हो गया है। इसको कुछ 5 मिनट तक धीमी आंच पे भूनना है। पहले मैंने थोड़ी तेज आंच पे किया था, उसके बाद फिर मैंने धीमी आंच पे 5 मिनट भूना है। तो देखिए आटे का कलर बदल गया है। अब इसमें मैं पहले चीनी डालूंगी। मैं इसको कुछ 2 मिनट तक ऐसे भूनूंगी चीनी के साथ, उसके बाद मैं पानी डालूंगी। इसमें मैंने चीनी डाल के कुछ देर भून लिया है, देखिए आप लोग। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। चीनी डाल के मैंने 2 मिनट भूना है, घी में आटा डाल के मैंने 5 मिनट भूना है, चीनी डाल के 2 मिनट, और मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। आप लोग हलवा कितना सुंदर हलवा बना है, जितना अच्छा घी में आटा भुनाएगा, घी गरम रहेगा, कढ़ाई गरम रहेगा, उतना अच्छा हलवा बनेगा। देखिए आप लोग, धीमी आंच पे मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाए।
ये जो मैंने लास्ट में घी बचाया था वही है। देखिए मेरे आटे का हलवा बन गया है। आप लोग भी अपने घर पे रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।